Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Just me and my guitar. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है यस वीकेंड में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो है और ये इसका इंट्रो वीडियो है। इस इंट्रो में हम बताएंगे कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से हमारा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री चलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने अलग अलग 14 सेगमेंट में बांटा हुआ है और 14 सेगमेंट को अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट के हम इसको पढ़ेंगे। तो अलग अलग कौन कौन से 14 सेगमेंट है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मेरा परिचय, चंद्र प्रकाश पात्र, दिस मैन स्टूडेंट एस्पिरेंट एंड ट्राइंग टू बी अ गाइड, करंटली वर्किंग एज अ सीईओ। बाकी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि कौन कौन से वो 14 सेगमेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वर्ल्ड हिस्ट्री को बांट कर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो सेगमेंट है वो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन और साथ साथ प्रबोधन। ये 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच धार्मिक बंधनों के विरुद्ध क्या था, एक तार्किक आंदोलन था, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं, अमेरिकन रिवोल्यूशन। ये 1783 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्या हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अमेरिकन ने क्रांति छेड़ दी थी और में वो सफल भी हुए थे। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में, राजतंत्र और असमानता के विरुद्ध। ये मूल रूप से असमानता के विरुद्ध लड़ी गई एक प्रमुख लड़ाई है। तो असमानता के विरुद्ध समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे के साथ ये क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ये हम पढ़ेंगे। देन फोर्थ जो चैप्टर है वो होगा हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ये 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में यूरोपीय देशों में मशीनीकृत उद्योगों का प्रयोग, अभी क्या है, विज्ञान आ गई थी प्रबोधन के बाद, और विज्ञान के प्रयोग के कारण अब मशीन बनने लगे और मशीनों के उपयोग के कारण जो नए उद्योग स्थापित हुए और उद्योगों का जो चलन स्थापित हुआ, ये औद्योगिक क्रांति है। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर होगा इटली का एकीकरण। मेजिनी, कावूर, गैरिबाल्डी, ये सब जो प्रमुख नेता थे, इनके नेतृत्व में 1870-71 में इटली का एकीकरण हुआ। ऐसे ही इसके बाद हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण चैप्टर 6 में। ये बिस्मार्क के रक्त और लौह नीति का एक अच्छा उदाहरण यहाँ देखने को मिलेगा। 1871 में जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। इससे पहले ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में एक भूभाग तौस्त थे लेकिन राष्ट्र के रूप में एकीकृत नहीं थे। इसके बाद हम 7 चैप्टर में देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की स्वराज्य में क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, और इसी कारण से, ये तात्कालिक कारण था, इसके अलावा और भी बहुत कारण थे, तो इन कारणों से क्या हुआ, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य 1914 से 1918 के बीच में युद्ध हुआ और इसमें भारत भी एक हिस्सा था, भारत को भी ब्रिटेन की ओर से शामिल किया गया था। तो ये हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो 8th यूनिट जो होगा वो होगा 1917 की रूस की क्रांति। 1917 के रूस की क्रांति के बाद अब यहाँ पर साम्यवाद और समाजवाद की भावना आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जारशाही का अंत हुआ, जार शासन का अंत हुआ, रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई, बोल्शेविक पार्टी के जो नेता लेनिन थे उनके नेतृत्व में ये क्रांति जो है वो आगे बढ़ी। 9th चैप्टर जो होगा वो होगा फासीवाद और नाजीवाद। फासीवाद और नाजीवाद क्या है, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। ये क्या था, एक तरीके से देखा जाए तो ये निर्जातिवाद है, ठीक है। निर्जातिवाद मतलब अपनी जो प्रजाति है उसका संरक्षण और दूसरी प्रजातियों के साथ घृणा, इस तरीके से ये फासीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ। देन हम 10 चैप्टर में देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें भी धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य 1939 से लेकर 1945 तक युद्ध हुआ, जिसमें अंततः 1945 में अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम छोड़े और इस तरीके से क्या हुआ, इसका अंत हुआ। 11th चैप्टर में हम देखेंगे 1949 की चीनी क्रांति। माओत्सेतुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी, यहाँ पर भी राजतंत्र का अंत हुआ और साम्यवादी चीनी लोक गणराज्य, जैसे यहाँ 1917 में रूस की क्रांति हुई थी वैसे ही चीन में 1949 में चीनी लोक गणराज्य, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का उदय यहाँ होता है। इसके बाद फिर शीत युद्ध के बारे में हम देखेंगे। शीत युद्ध क्या है, 1945 के बाद जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद 2 प्रमुख देश उभर के आए, एक था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा था यूएसएसआर, जो उस समय तत्कालीन जो सोवियत संघ है वो कहलाता था, जिसका अंत बाद में हम देखेंगे। तो ये शीत युद्ध, इनके बीच में शक्ति का संघर्ष था। तो विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र के मध्य शक्ति संघर्ष जो है वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाएगा। देन हम 13 चैप्टर में देखेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में।
तो ये क्या है बेसिकली, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद फिर जो यूरोपीय देश थे उनको नवीन बाजारों की आवश्यकता हुई। नवीन बाजार की आवश्यकता दो उद्देश्य से थी, एक तो उनको कच्चा माल इम्पोर्ट करना था और अपने बने हुए फिनिश्ड गुड्स को क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था। तो इस तरीके से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, जिसका विरोध क्या हुआ अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने किया। भारत में महात्मा गांधी इसके प्रमुख विरोधी थे और इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, 1947 में इनके प्रयासों से भारत को आजादी भी मिली। फिर सोवियत संघ के विघटन के बारे में देखेंगे, तो 1991 में 26 दिसंबर 1991 को आर्थिक और राजनीतिक संकटों के कारण और जो समाजवादी तंत्र था उसके विफलता के कारण क्या हो गया, ये सोवियत संघ अंततः 26 दिसंबर 1991 को विघटित हो गया। तो इस तरीके से हम ये 14 चैप्टर्स में बांट के देखेंगे और ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री इस तरीके से कंप्लीट होगा। अगर इसमें आप कोई और चैप्टर ऐड कराना चाहते हैं या और कोई सजेशन है तो वो प्लीज़ आप बताएं, और इसके बाद कल से हमारा जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट स्टार्ट होगा। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। यस यू कैन में आप सभी का स्वागत है, और अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।